नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। कैसा रहेगा आपके लिए जुलाई का महीना? बहुत बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है ये महीना। राजयोग लेकर के आ रहा है, उन्नति लेकर के आ रहा है, पैसा लेकर के आ रहा है, सम्मान लेकर के आ रहा है, वैभव लेकर के आ रहा है, पद प्रतिष्ठा लेकर के आ रहा है, स्वास्थ्य वृद्धि लेकर के आ रहा है। क्योंकि इस महीने में मंगल का राशि परिवर्तन होगा और नीच की राशि को छोड़ेंगे। इस महीने के अंदर शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा। इस महीने में बुध ग्रह एक राजयोग बनाएंगे, भद्र नाम का महापुरुष राजयोग। इस महीने में सूर्य का ये सभी ग्रह मिल करके आपके उन्नति के रास्ते जो हैं उनको खोल देंगे। तीन राशियों की आज मैं बात करूंगा, जिसमें से दो राशियां ऐसी हैं जिनके लिए अपार सफलता, और एक जो राशि है वो ऐसी है जिसके लिए सुपर से भी डुपर रिजल्ट मिलेगा, जिसको मतलब पैसा ही पैसा मिलेगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण है मित्रों, जितनी भी घटनाएं घटित तो होती हैं, अगर आपकी जन्मपत्री के चार्ट में भी कुछ इस प्रकार के ग्रह योग बने हुए हैं तो आपको अरबपति, करोड़पति, लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये यथार्थ सत्य है। ये बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ, 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो चले जाएंगे 1, 2, 3, 4 कर्क राशि में। मंगल 20 तारीख को कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में गोचर करेंगे। 17 तारीख को शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे और वो भी सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा बुध ग्रह दिनांक 7 से लेकर के और 25 तारीख तक रहेंगे मिथुन में। मिथुन में रहेंगे, राजयोग बना के रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, स्वराशि के रहेंगे, और क्या चाहिए, ताकत ताकत और ताकत बढ़ेगी। और फिर 25 तारीख को मिथुन को भी छोड़ देंगे, कर्क में चले जाएंगे, चंद्रमा के घर चले जाएंगे, उससे भी कुछ बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। तो आइए फल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मकर की। जितने भी जातक इस समय मुझे मकर के सुन रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों का स्मरण करें। आपकी राशि के स्वामी शनि अपने ही घर में बैठे हैं, वक्र चाल में बैठे हैं, इसलिए आपके लिए वैसे भी कोई तनाव वाली बात नहीं है। पर सबसे बड़ा सुकून आपको मिलेगा मंगल के राशि परिवर्तन से, जो 20 तारीख को होगा जुलाई के माह में। मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, पत्नी के घर से निकलेंगे, लव लाइफ के घर से निकलेंगे, और क्या चाहिए। यहां कम से कम जो नीचता चल रही थी मंगल की, वो तो समाप्त होगी। पर मंगल कहां जा रहे हैं, अष्टम में, और अष्टम में जा रहे हैं लाभ को लेके और सुख साधनों को। तो आपको इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करनी है, पैसे का लेन देन सोच समझ के करना है 20 तारीख के बाद, उससे पहले आप चाहे कुछ भी करिए, क्योंकि यहां पर यह समय ठीक नहीं कहा जाएगा। 25 से लेकर के और 31 जुलाई में अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट डिसीजन, तो वो कर सकते हैं। डेट बता दिया मैंने, सुन लीजिए। इसके अलावा गुरु धन के घर में बैठे हैं तो पैसे की कमी तो होने नहीं देंगे। वो बोलेंगे भैया मेरे पास तो पैसा है और मैं तो वक्री होके बैठा हूँ। तो यहाँ पर पूरे महीने गुरु और शनि मिलकर के आपको धन का सुख देते रहेंगे, क्योंकि धन के स्वामी आपकी मकर राशि में बैठे हैं और मकर धन के लाभ के इन सब चीज़ों के जो लॉर्ड हैं वो यहाँ पर गुरु बनते हैं, वो फाइनेंस पर बैठे हैं, इसलिए अच्छा है। एलर्जी स्वास्थ्य पीड़ा में विशेष रूप से दिखाई देती है, त्वचा संबंधित रोग, एक भय भ्रम की स्थिति रहना, थॉट प्रोसेस का कमजोर होना कारण है। तीसरे भाव में 7 जुलाई को बुध का चले जाना और 25 जुलाई तक फिर बुध यहां रहेगा। ये एक सिचुएशन यहां पर मकर की बन रही है। तो ओवरऑल कैलकुलेशन ये निकलती है कि पूरा महीना आपके लिए अच्छा है और इसको संभालने की जो जिम्मेदारी है वो गुरु पर, शनि पर रहेगी। मित्रों एक बात जरूर मैं आपसे यहां पर मतलब सजेशन देना चाहता हूं, हिदायत के तौर पर, कि सूर्य का परिवर्तन जो 16 तारीख को होगा, रोग स्थान से निकल के दाम्पत्य घर के घर में जाएंगे, तो सूर्य और शनि का एक सम सप्तक योग बनेगा जो अच्छा नहीं है। अब यहां पर ये कलह को बढ़ा देता है, पारिवारिक कलह को बढ़ाता है। इस दौरान कोई रिश्ता वगैरह पक्का नहीं करना चाहिए, वैचारिक मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, आपके व्यापारिक पार्टनर से धोखा मिलना, ऐसी सिचुएशन बनती है। और फिर ये 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का समय ऐसा रहेगा, तो ये थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा।
अब इसमें सुकून भी आएगा, शांति भी आएगी, ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसा ही रहेगा बना। जब ये बुध का परिवर्तन होगा 25 जुलाई को और ये 7th हाउस में आ जाएंगे सूर्य के साथ में, फिर एक कूल डाउन सिचुएशन बनेगी, बट 25 तारीख तक विशेष ध्यान। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वह रहेगी कुंभ। जितने भी जातक कुंभ के अभी मुझे सुन रहे हैं, आपकी ग्रह गोचर की सिचुएशन के अनुसार आपकी राशि के स्वामी तो 12th में चल ही रहे हैं, जो कि अच्छे नहीं हैं, पर राशि में गुरु बैठे हैं और वक्र चाल में, ये अच्छे हैं, ये आपके काम को बनाएंगे। और फिर 20 जुलाई से यहाँ पर पहुँच जाएंगे सप्तम भाव में मंगल शुक्र के साथ में, फिर गुरु का मंगल का सम सप्तक योग बनेगा, गुरु का शुक्र का सम सप्तक योग बनेगा, केंद्र में बनेगा तो अच्छा है। आपके लिए ये कहा जा सकता है कि 7 जुलाई के बाद से समय अच्छा है। फर्स्ट 7 डेज थोड़े से ऐसे ही रहेंगे अप एंड डाउन वाले, ओवरऑल ये पूरा महीना अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए पहले 20 दिन अच्छे नहीं हैं, उसके बाद के का समय अच्छा है। बुध का परिवर्तन 7 जुलाई को होगा, वो आप विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, और अकस्मात धन लाभ से संबंधित जो काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए अच्छा है, शेयर मार्केट का जो काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। 5th हाउस में आ रहे हैं त्रिकोण में, और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और उनके मित्र भी हैं बुध, तो इस वजह से भी अच्छा है। तो बुध का परिवर्तन तो बुरा नहीं है, इसको तो मैं अच्छा ही कहूँगा। स्वास्थ्य के लिए मैंने बता ही दिया, और मैंने आपके सम्मान के लिए भी बता दिया, और धन के लिए भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आर्थिक रूप से जो चिंताएँ चल रही थी अब उनको छोड़ दीजिए। पर एक बात कहूँगा, जिनको हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ चल रहे हैं और शुगर के पेशेंट हैं, वो ध्यान रखें और बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, अवॉइड करें, या पहले से कोई पुलिस केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें कोई चिंता की बात यहाँ बन सकती है। कारण ये है कि सूर्य 6ठे भाव में है और मंगल है 12वें भाव में, तो सूर्य और शनि का सम सप्तक योग है, तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों का एक दूसरे को देखना ये भी साइन अच्छा नहीं है, ये कहीं ना कहीं उलझा देता है, किसी गलत काम में उलझा देता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी योजना बनाते हुए आगे बढ़ना है, ये सजेशन मेरा आपके लिए रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वह रहेगी मीन। मीन वालों, आपके लिए मंगल का परिवर्तन तो अच्छा नहीं है, शुक्र का परिवर्तन भी आपके लिए कोई अच्छा नहीं है, परंतु आपके लिए बुध का परिवर्तन बहुत अच्छा है। आपके लिए शनि जो लाभ के घर में बैठे हैं वो भी अच्छे हैं। मीन वाले वैसे परेशान तो चल ही रहे हैं काफ़ी, क्योंकि उनके ग्रह अभी इतने ठीक नहीं चल रहे, क्योंकि राशि के स्वामी गुरु हैं वो अपनी राशि से 12वें में हैं, फिर खर्च के स्वामी शनि वो भी अपनी राशि से 12वें में हैं, तो दो ग्रह तो अपनी अपनी राशियों से ही 12वें में हो गए। फिर मंगल 20 तारीख को रोग के घर में चला जाएगा और शुक्र 17 तारीख को रोग के घर में आ जाएगा, और अष्टमेश है शुक्र, अष्टमेश शुक्र 6ठे भाव में रहेगा, तो ये समय भी ठीक नहीं है। तो स्वास्थ्य पीड़ा मेरे को मीन वालों के लिए विशेष रूप से दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने आपको ये सजेशन दिया है कि आगामी महीने में जुलाई में हेल्थ को लेकर के सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। बाकी फाइनेंस की सिचुएशन नॉर्मल रहेगी, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। और यदि बात करूं बुध के परिवर्तन की, वो एक ज़रूर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट भूमिका को अदा करेगा 7 से लेकर के और 25 जुलाई तक। केंद्र में रहेगा एक भद्र नाम का महापुरुष, राजयोग बना के रहेगा, इस राजयोग के फलस्वरूप काम वगैरह बनते रहेंगे, ये एक स्थिति यहाँ बनेगी। मित्रों, ये है आपका गोचर का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। नमस्कार।
30 जून तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराने के लिए संपर्क करें 9899888433 7011805461। आप सभी के लिए खुशखबरी, ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी 26 से 30 जून तक मुंबई में रहें।